हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि क्या आपके पार्टनर आपसे शादी करेंगे। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, चाहे आप सेपरेटेड हैं, चाहे आप जिसे रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, ये जो रीडिंग है टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। सो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आपने रखना है एंड लीव द रेस्ट। आप इस रीडिंग को ऑल जेंडर्स की रीडिंग है। आप इसको मेल फीमेल एंड ओ सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। ऑल साइंस की रीडिंग है, ठीक है। फिर भी अगर स्टार साइन जो भी आएगा कार्ड में, मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगी। सो यहाँ पे 8 कार्ड्स हैं। इनमें से कोई भी कार्ड्स आप इंट्यूटिवली चूज़ करोगे तो मैं आपको बताऊंगी क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे, ठीक है। मुझे कार्ड में जो भी नज़र आएगा आई विल टेल यू, ओके। आई विल नॉट शुगर कोट एनीथिंग। So I will tell you whatever I will see in the card, okay? So आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है और इंट्यूटिवली कोई भी कार्ड्स चूज़ कर लें। अगर आप चाहें तो आप ऑल कार्ड्स भी चूज़ कर सकते हैं। किसी ना किसी में आपको आपकी लिए कोई गाइडेंस मिल जाएगी या आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके इस वीडियो को अपना कार्ड चूज़ कर लें। So don't forget to subscribe my channel, like, share and comment, okay? So मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी कार्ड नंबर 1 से, जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पर्सन हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं उनका स्टार साइन अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वो हो सकते हैं। तो क्या आपसे शादी करेंगे आपके पार्टनर? तो हाँ जी, आपके पार्टनर जो हैं आपसे शादी करना चाहते हैं। ये पार्टनर जो आपका पर्सन है ये बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करने वाले हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। मे बी अगर पास्ट में इन्होंने आपके साथ बैलेंस नहीं बनाया तो अब आपके साथ रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं और आपके साथ बैलेंस बना के आप लोगों के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। कार्ड नंबर 2 इन्होंने चूज़ किया है टेम्परेंस। तो आप लोगों के जो ये पर्सन है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए है। मे बी किसी इस वक्त डिफ़िकल्टी को शायद ये फेस कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं अभी ये पर्सन। तो जैसे ही बैलेंस होंगे, अभी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, पेशेंस रखा हुआ है, तो आप लोगों के साथ बैलेंस बनाना ये चाहते हैं और पेशेंटली चीज़ों पे वर्क करना चाहते हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं। सैगिटेरियस इनका, टेम्परेंस इनका स्टार साइन सैगिटेरियस हो सकता है। कार्ड नंबर 3 इन्होंने चूज़ किया है 2 ऑफ सॉर्ड। आप लोगों के पार्टनर जो हैं एयर साइन हो सकता है, ठीक है, उनका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस उनका स्टार साइन हो सकता है। तो ये पार्टनर जो है इस वक्त, ये पर्सन जो है आपका, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, आपसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे इस चीज़ को वो लेके डिसीजन नहीं ले पा रहे। मे बी कुछ उनके उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। ऐसा ही मुझे यहाँ से कार्ड मुझे यही बता रहा है कि उनके पास शायद कुछ 2 ऑप्शंस हैं, 2 चॉइसेस हैं जिसको लेके वो डिसीजन नहीं कर पा रहे। तो अभी काफ़ी ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, अपने आप को फील कर रहे हैं, तो अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। इनको कुछ टाइम लग सकता है डिसीजन लेने के लिए। जिन्होंने कार्ड नंबर 4 चूज़ किया है द मैजिशियन। तो आपके पार्टनर जो हैं आपसे, आपके साथ शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। इनका स्टार साइन जो है जेमिनी एंड वर्गो हो सकता है, इनका स्टार साइन, एंड ये काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और आपके साथ फर्टैलिटी चाहते हैं, आपके साथ शादी करने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं। इन शॉर्ट काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आप उनकी लाइफ में आए, ठीक है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है। जिन्होंने कार्ड नंबर 5 चूज़ किया है 10 ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर जो हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन इनका हो सकता है और ये आपके साथ डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे चाहते हैं बनाना, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं आपके लिए। इनके पास काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं, आपको कप ऑफर करके एक हैप्पी लाइफ आपके साथ गुजारना चाहते हैं और डेफिनेटली कार्ड से मुझे यही बता रहा है कि आपसे शादी करेंगे। जिन्होंने कार्ड नंबर 6 चूज़ किया है तो 9 ऑफ पेंटिकल्स। इनका अर्थ साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पार्टनर जो है आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ऑब्वियसली करना चाहते हैं बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको एक
फुल ऑफ पैकेज देखते हैं, आपको देखते हैं कि आप कितने ज़्यादा खूबसूरत हो, काफ़ी ज़्यादा आप अपनी सेल्फ केयर करते हो और आपके पास काफ़ी ज़्यादा लाइफ में फर्टैलिटी है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसीलिए वो आपकी खूबसूरती को देख के आपको काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आप उनको लगते हो, तो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 7 चूज़ किया है, पेज ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं और आपको में भी आपका इनके साथ अभी बात नहीं हो रही, शायद आपको ये इनकी तरफ से कॉल मैसेज भी आ सकता है। आपके साथ अगर ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है तो ये आपसे बात कर सकते हैं। इनका स्टार साइन जो है वो एरिस, लियो, सैगिटेरियस हो सकता है, फायर साइन हो सकता है इनका, तो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर ये पर्सन हो सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखते हैं और आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, ठीक है, करना चाहते हैं। एंड जिन्होंने कार्ड नंबर 8 चूज़ किया है, 7 ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैगिटेरियस इनका स्टार साइन हो सकता है इस पर्सन का, तो अभी इनके जो लाइफ में है, शादी करेंगे क्या आपसे, अभी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, ठीक है, जहाँ से ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अपने आप का सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, मे बी इनके रास्ते में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, शायद आप तक आने के लिए अभी उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे ब्लॉकेजेस नज़र आ रही हैं इस कार्ड से, ये इंसान अपना डिफेंस कर रहा है, मे बी काफ़ी ज़्यादा इनको लाइफ की अपने फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, आप लोगों की तरफ आने के लिए भी इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, शायद आप लोगों की फैमिलीज़ का कोई आपस में इशू है, लाइक आपकी फैमिली की तरफ से कोई इशू हो रहा है, वो शादी के लिए मान नहीं रहे, या इनकी फैमिली वाले भी इनको काफ़ी ज़्यादा मान नहीं रहे, इनको रोक रहे हैं, दैट्स व्हाई उनकी ब्लॉकेजेस रास्ते में आ रही हैं, हर्डल्स आ रही हैं, उनको फेस करनी पड़ रही है, लेकिन ये इंसान अपनी अपनी पावर में आ गया है अपना डिफेंस करने के लिए, कि रास्ते में कोई भी हर्डल्स आएंगी तो ये उनको फेस करने के लिए, उनका साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, तो आपके तरफ पहुंचने के लिए, आपके साथ शादी करने के लिए रास्ते में कोई भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, कोई हर्डल्स आ रही हैं, तो उनको फेस ये करेंगे और उनको सॉल्व करके आप तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कुछ भी रेजोनेट किया है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। सो आप मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, सो आई डीपली अप्रिशिएट यू एंड लव यू ऑल, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आपके लिए रीडिंग्स अच्छी से अच्छी लेके आती रहूँगी, ठीक है। मेरी इस वीडियोस को अपने फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो आई विल कैच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।